अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुमताज और आप देख रहे हैं आईआर मुमताज यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो रास्त के बारे में है, जो रास्त के अभी फीचर्स हैं इस पे मैं आपको पूरी सीरीज भी बताऊंगा कि तमाम बैंकों में आप रास्त को कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम लोग जो बैंक अकाउंट या मोबाइल ऐप या वॉलेट जैज वॉलेट या कोई भी जो यूज करते हैं उनको इस सर्विस का पता होना चाहिए, क्योंकि इस सर्विस के काफी फायदे हैं और आप लोगों को भी ये फायदे उठाने चाहिए। तो रास्त, जैसा कि आपको बताया गया, कुछ अर्से पहले स्टेट बैंक ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, अब इन्होंने इसका पर्सन टू पर्सन जो है वेरिएंट वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें आप लोग एक शख्स से दूसरे शख्स को जो है पैसे भेज सकेंगे। इसके बाद जो स्टेट बैंक का इरादा है वो पर्सन टू मर्चेंट भी इंट्रोड्यूस करवाने का इरादा है, जिसमें आप किसी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग या किसी भी जगह पर शॉपिंग या किसी मर्चेंट को पे करने के लिए भी रास्त को यूज़ कर सकेंगे। तो इसमें आपको मैं फीचर बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी बैंक अकाउंट या किसी भी जैज वॉलेट या इजी पैसे को फ्री पैसे भेज सकेंगे, तमाम इसमें फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, उसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो रास्त के आपको फीचर देखने को मिलेंगे, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप जहाँ भी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसमें आपको कोई भी जो है उसकी फ़ी नहीं कटेगी। वैसे आपको पता है कि 25,000 से ऊपर अगर एक मंथ में आप ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो उसके आप फिर चार्जेस कटने शुरू हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, आप अगर एक रास्त की आईडी लिंक कर लेंगे अपने जो किसी भी मोबाइल ऐप है, बैंक की मोबाइल ऐप है या किसी भी बैंकिंग अकाउंट से, तो फिर आप उस रास्त आईडी में जो है वो पैसे जब आप रिसीव या सेंड करेंगे तो वो फ्री होगा, उसमें कोई भी आपकी इंटर बैंक फंड ट्रांसफ़र की चार्जेस नहीं होती। उसके अलावा ये काफ़ी सिंपल है, आपको बैंक अकाउंट जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, IBAN को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर है वही उसी अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपका जो है HBL में एक बैंक अकाउंट नंबर है, आप वहाँ पे जब रास्त को लिंक करेंगे तो वही आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा, और आपने जब कभी दोबारा उस HBL वाले अकाउंट में पैसे रिसीव करने हैं तो आप लोगों को बताएंगे कि ये मेरा रास्त की आईडी है, मेरा मोबाइल नंबर, इस पर पैसे भेज दें, तो वो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और जो बंदा पैसे भेज रहा है उसको जो फंड ट्रांसफर करने की फ़ी भी नहीं पे करना पड़ेगी। तो ये एक अच्छा काफ़ी फीचर है। उसके अलावा ये सिक्योर है, फास्ट है, इसमें कोई मिनिमम ट्रांजैक्शन की लिमिट भी नहीं है, आप जितना कम से कम चाहें पैसे भेज सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इसकी। अब जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे जो फंड रास्त के थ्रू ट्रांसफर करने का तरीका बताया गया है, मैंने पहले आपको बताया है कि सबसे पहले आपने जो अपना अकाउंट नंबर है वो लिंक करना है रास्त आईडी उसके साथ, वो आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो उस अकाउंट के साथ रास्त आईडी बन जाएगा। उसके अलावा आप जब वो फिर रास्त आईडी किसी को भी सेंड करके अपना अकाउंट नंबर वो उस बना के पैसे रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैंक हैं अभी कौन कौन से बैंक हैं ये सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो तीनों सर्विसेज दे रहा है, जिसमें वो मोबाइल ऐप से भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो वेबसाइट पे जाके इंटरनेट बैंकिंग से भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रांच में जाके काउंटर से भी रास्त की आईडी क्रिएट और रास्त की सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, बैंक अलफला, हबीब बैंक जो खुशहाली है, माइक्रो फाइनेंस बैंक, उसके अलावा यूनाइटेड बैंक, फैसल बैंक, JS बैंक, फैसल बैंक तक जो हैं ये आप इसमें मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी फैसल बैंक और JS बैंक, NRSP, समिट बैंक और टेल और माइक्रो फाइनेंस बैंक है उसमें आप जो है मोबाइल ऐप से यूज़ कर सकते हैं। मिजान बैंक में अभी जो है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी ये जो आप बैंक शो हो रहे हैं अभी बैंक, अभी मेट्रो बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, सुनहरी बैंक, बैंक ऑफ जो ऊपर वाले बैंक्स हैं इनमें आप ब्रांच के काउंटर्स पर जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो भी और अपडेट्स आती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, रास्त पे मैं आपको पूरी सीरीज बताऊंगा कि कैसे आपने मोबाइल ऐप में इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे आप इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अभी रास्त की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जो सीरीज़ की पहली वीडियो है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।